हम ये उत्तर देंगे कि अगर खास अपने आप होती है तो रेलगाड़ी अपने आप क्यों नहीं बनती? अगर अपने आप बनती है चीजें तो रेलगाड़ी अपने आप बननी चाहिए, रसोई में रोटी भी अपने आप बननी चाहिए, मकान भी अपने आप बनना चाहिए। क्या रेलगाड़ी मकान अपने आप बनता है? हाँ या ना? नहीं बनता। इसलिए आपका दृष्टांत तो गलत है कि जंगल में घास अपने आप होती, कहाँ होती? एक छोटी सी लोहे की सुई भी अपने आप नहीं बनती, और फिर वो भी बनानी पड़ती है तब जाके बनती है, अपने आप तो कुछ भी नहीं होता। इसलिए उसका दृष्टांत गलत है, वो दृष्टांत की कैटेगरी में नहीं आया, क्योंकि उस बात को वो मानता है, हम नहीं मानते। हम क्यों नहीं मानते? उसका लॉजिक है, तर्क। तर्क प्रमाण से हम किसी बात को मानेंगे अथवा तर्क और प्रमाण से नहीं मानेंगे, हट से नहीं। ये नहीं कहेंगे हम नहीं मानते, हम क्यों नहीं मानते? उसका रीजन, और वो रीजन ठीक ठाक है, लॉजिकल। इसलिए हम किसी बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे, तर्क और प्रमाण से चलेंगे, ये तो ठीक है, नहीं तो हट करना गलत। वो न्याय नहीं, वो बुद्धिमत्ता भी नहीं। तो हमने प्रमाण दिया कि रोटी अपने आप नहीं बनती, मकान अपने आप नहीं बनता, रेलगाड़ी अपने आप नहीं बनती, बुद्धिमान लोग बनाते हैं, सिस्टम से बनाते हैं, तो घास भी अपने आप नहीं बनती, उसको भी कोई बनाएगा, उसका भी सिस्टम है। फिर वो पूछे घास को कौन बनाता है? कहेंगे ईश्वर बनाता है। जिसको मनुष्य नहीं बनाता उसको ईश्वर बनाता है। गाय घोड़े पशु पक्षियों के शरीर ईश्वर बनाता है, मनुष्य तो नहीं बनाता। जैसे ईश्वर गाय घोड़े पशु पक्षियों के शरीर बनाता है, ऐसे घास भी बनाता है, वृक्ष भी बनाता है, ये सब उसकी रचना है। और ईश्वर जो भी बनाता है सिस्टम से बनाता है, न्यायपूर्वक बनाता है, ढंग से बनाता है। तो ये सारी बात का जो मैंने आपको सुनाया, सारी बात सुनाई, इसका मुझे कहना यह था कि उसने जो उदाहरण दिया वो गलत है। जो दृष्टांत दिया कि जंगल में घास अपने आप होती है, ये गलत है। मुझे इस पर सारी चर्चा में ये बताना था। और ठीक दृष्टांत कैसा होता है? तो ठीक दृष्टांत ये होता है जो हमने बताया कि रेलगाड़ी अपने आप नहीं बनती, कोई बनाता है, तो ये ठीक है। इस बात को वो भी मानता है, हम भी मानते हैं रेलगाड़ी अपने आप नहीं बनती, इसको दोनों व्यक्ति मानते हैं। मकान अपने आप नहीं बनता, इसको दोनों मानते हैं। ये दृष्टांत ठीक है। बोलिए, दृष्टांत समझ में आया? तो जब भी आप कोई बात करें, कोई दृष्टांत देना पड़े, तो ऐसा दृष्टांत दें जिसको आप भी मानते हो और सामने वाला भी, दोनों मानते हो, वो दृष्टांत बनेगा। जिसको एक मानता है दूसरा नहीं मानता, वो दृष्टांत नहीं। उदाहरण, एग्जाम्पल जी, दृष्टांत उदाहरण एग्जाम्पल, एक ही बात। बहुत सारी बातों को सिद्ध करने के लिए हमको दृष्टांत देने पड़ते हैं, उदाहरण देने पड़ते हैं, बिना उदाहरण के वो बात सिद्ध नहीं होती, समझ में भी नहीं आती, सिद्ध भी नहीं होती। जब उदाहरण या एग्जाम्पल देते हैं तो वो बात जल्दी समझ में आती है और सिद्ध हो जाती है कि जैसी ये बात है ऐसी ये बात है। तो जैसे रेलगाड़ी को कोई बनाता है, ऐसे सृष्टि को भी बनाता है। रेलगाड़ी अपने आप नहीं बनती, सृष्टि भी अपने आप नहीं बनती। तो रेलगाड़ी का उदाहरण देके सृष्टि का हमने सिद्धि कर दी। जैसे रेलगाड़ी को कोई बनाने वाला है, ऐसे सृष्टि को भी कोई बनाने वाला है, ये सिद्ध कर गए। ठीक है, आगे चलकर एक पंच अवयव प्रक्रिया आएगी। इसी 16 पदार्थों में प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव। सिद्धांत के बाद एक अगला पदार्थ है अवयव, उसमें पांच अवयव होते हैं। तो उसमें एक पूरी टेक्निक सिखाई गई है कि जब आप कोई बात रखते हैं, अपनी बात को सिद्ध करना चाहते हैं, पहले अपने पक्ष की स्थापना करते हैं, ठीक है, फिर उस स्थापना को हमें प्रमाण से, तर्क से सिद्ध करना पड़ता है। तो उस पंचवयव में पहला अवयव है अपने पक्ष की स्थापना करें, दूसरा अवयव है उसका कारण बताएं ऐसा क्यों। एक अलग टेक्निक है बात को सिद्ध करने की, ये भी एक टेक्निक है। और तीसरा जो होता है वहां पर ये दृष्टांत देना पड़ता है, उदाहरण। आप पहले अपने पक्ष की स्थापना करें, आप मानते क्या है,
फिर उसको सिद्ध करने के लिए कारण बताएं, आप ऐसा क्यों मानते हैं, या आप जो मानते हैं ये ठीक है तो ये ठीक क्यों ठीक है, इसका रीजन बताओ, फिर उसको ठीक सिद्ध करने के लिए एक एग्जाम्पल दे, तो वो टेक्निक है, वहाँ पर ये एग्जाम्पल काम आए। और वहाँ ये भी बताया जाएगा कि यदि आप कहीं एग्जाम्पल देते हैं तो आपका एग्जाम्पल ठीक है या नहीं ठीक है, उसकी टेस्टिंग के लिए वो कारण होता है सेकेंड नंबर पर, दूसरा पे वो कारण आपको बताना पड़ेगा, तब जाके वो एग्जाम्पल ठीक हो सकता है। नहीं तो बहुत जगह पर एग्जाम्पल तो आदमी दे देता है, उदाहरण तो दे देगा पर कारण नहीं बताएगा, तो इतने से भी सिद्ध नहीं होगा, वो कारण ही ये टेस्ट करता है ये उदाहरण फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। तो आगे देखेंगे जब समय आएगा उसको बताएंगे। तो फिलहाल हमने दृष्टांत के बारे में समझने का प्रयास किया कि जिस बात को दोनों पक्ष वाले एक जैसा स्वीकार करें वो दृष्टांत होता है, जब चर्चा होती है तो इस तरह का दृष्टांत देना चाहिए जिसको दोनों पक्ष मानते हो, जिसको एक पक्ष माने और दूसरा न माने वो दृष्टांत नहीं बने, अथवा बात तो सही है एक व्यक्ति जानता है दूसरा जानता ही नहीं तो वहाँ वो दृष्टांत काम नहीं आएगा, दृष्टांत ठीक है पर वो काम नहीं आएगा क्योंकि वो जानता नहीं। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन का दृष्टांत दे रहा है, अब वो पढ़ा लिखा आदमी तो जानता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सामने वाली पार्टी अनपढ़ है उसको इलेक्ट्रॉन का पता नहीं, तो फिर वो दृष्टांत नहीं चलेगा, वो दृष्टांत चलेगा जिसको वो भी जानता हो और ये भी जानता हो, दोनों जानते हैं, वो दृष्टांत देना चाहिए। ठीक है, तो ये पांचवा पदार्थ था 16 में से दृष्टांत। अब छठा पदार्थ है सिद्धांत, उसकी परिभाषा, परिभाषा आप वैसे लिख लीजिए, सूत्र में नहीं है, मैं परिभाषा वैसे लिखा देता हूँ आप लिख लीजिए। जब कोई व्यक्ति ऐसा कहता है, जब कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि यह वस्तु ऐसी है, यह वस्तु ऐसी है, जब ऐसा कहता है कि यह वस्तु ऐसी है तो इसको सिद्धांत कहते हैं। इसको ऐसे करेंगे, संसार की स्थिति यह है कि अधिकांश लोग सत्य को समझना नहीं चाहते, सच्चाई तो ये वो सच्चाई को सुनना भी नहीं चाहते समझना भी नहीं चाहते, अड़ियल हठी लोग, वो जो मानते हैं वो ये मानते हैं मैं जो जानता हूँ वो ठीक है बस। अब आपने उसकी मान्यता के विरुद्ध कोई बात लिख दी, किसी ने लिख दी व्हाट्सएप पर लिख दी या फेसबुक पर लिख दी या कहीं लिख दी या प्रवचन में बोल दी,
कि महर्षि दयानंद ने 10,000 ग्रंथ पढ़े, उसके बाद सत्यान प्रकाश लिखी, या 30,000 पढ़े या 20,000, जो भी आपने कोई अपनी बात लिख दी। अब उस व्यक्ति को यह जची नहीं, उसको पसंद नहीं आई, तो वो इस बात की खोज नहीं करना चाहता कि ये बात सत्य है या झूठ है, वो सीधा ही खंडन करता है कि आप ऐसी फालतू बातें मत करो, ऐसी भ्रमात्मक बातें मत करो, क्योंकि उसको पसंद नहीं आई। लोगों की स्थिति ये, लोग सच्चाई को जानना नहीं चाहते। अगर वो जानना चाहता होता तो प्रेम से और सभ्यता से, नम्रता से पूछता कि आपने जो ये बात लिखी इसका प्रमाण दे, कि स्वामी दयानंद जी ने 30,000 ग्रंथ पढ़े या 10,000 पढ़े, जो भी आपने लिखा है इसका क्या प्रमाण है, तो आप उसको प्रमाण देते, भाई ये इस पुस्तक का प्रमाण है, इसमें लिखा है उन्होंने 30,000 ग्रंथ पढ़े या 10,000 पढ़े। अथवा कोई ऐसा लिखे है, भाई ऐसी संभावना है कि 10,000 पढ़ करके उन्होंने ये किताब लिखी है, तो संभावना क्यों है, उस संभावना का आधार देना पड़ेगा। तो संभावना लिखे, फिर उसका आधार लिखे, फिर वो ईमानदार हो, उस बात को प्रेम से सुने, उस पर विचार करे, अगर ठीक से धो रही तो स्वीकार करे, ये तो है ईमानदारी की बात। ऐसे बहुत गिने चुने लोग जो ईमानदारी से बात करना चाहते हैं, जो बात को समझना चाहते हैं, वो बहुत थोड़े से लोग। अधिकांश लोग तो अपने अपने मत का आग्रह, हठ, हठ पे अड़े, नहीं नहीं ये तो गलत है, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्यों फालतू भ्रांति फैला रहे, क्योंकि उसको अच्छी नहीं लगी वो बात, इसलिए विरोध कर देंगे। तो न्यायशास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति समझना चाहता हो, क्या बोला, उसको समझाएं, जो समझना नहीं चाहता उसको नमस्ते कर ले, खाम खा टाइम पर बात ना करे, बकवास करेगा, गाली देगा, झूठा बोलेगा, उल्टा सीधे आरोप लगाएगा, आपको गुस्सा आएगा, आपको मैं प्रमाण से बोल रहा हूँ, हालांकि फिर नहीं सुनता, फिर आपको गुस्सा आएगा। तो न्याय दर्शन ये कहता है कि जो समझदार हो, बुद्धिमान हो, सत्य को जानना चाहता हो, उसको सिखाइए, उसको पढ़ाइए, उसको समझाइए, अपना समय शक्ति उस पर लगाइए। जो सुनना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, उसको नमस्ते, उसको छोड़ो, उस पर एनर्जी वेस्ट मत कीजिए, अपना समय शक्ति मत कीजिए, अपना स्वभाव मत खराब कीजिए। बोलिए ये वस्तु ऐसी है। अब उससे जो लाभ होता है वो लाभ उठा लो,
जो हल नहीं होती उससे हानि से बचो, बस ये बुद्धिमत्ता है। इसी पर्पज के लिए हम परीक्षण कर रहे हैं कि हमको उससे लाभ उठाना और हानि से बचना है। अगर बिजली से हमें लाभ हो सकते हैं, पानी से हमें लाभ हो सकते हैं, भोजन से हो सकते हैं, ठीक है, मनुष्यों से हो सकते हैं, पशु पक्षियों से हमें लाभ हो सकते हैं, ईश्वर से भी हानि लाभ हो सकते हैं, किसी भी वस्तु से हानि और लाभ दोनों हो सकते हैं। इसलिए उन सब वस्तुओं के बारे में परीक्षण करना आवश्यक है कि इस वस्तु से क्या हानि और क्या लाभ, उसका पूरा परीक्षण करें और उससे जो लाभ होता है वो लाभ प्राप्त करें, जो हानि होती है उससे बच के चलें, ये न्याय है। इसलिए उन्होंने प्रमाण पर बहुत जोर लगाया, प्रमाण की बहुत लंबी व्याख्या की। ये तो पहला चैप्टर है, इसमें तो परिभाषाएं बता रहे हैं 16 पदार्थों की। फिर आगे चल के जो दूसरा चैप्टर आएगा वो बहुत कठिन है, उसमें तो पूरा चैप्टर इसी बात पे कि प्रमाण का एप्लीकेशन कैसे होता है, प्रमाण का प्रयोग कैसे होता है, उसमें कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं, कैसी कैसी गलतियाँ होती हैं, पूरा पढ़ेंगे तो बताया चलेगा 54 प्रकार की गलतियाँ होती हैं। इतनी 54 मिस्टेक्स, इतनी गलतियाँ करता है, और इन सारी गलतियों से बच के जो परीक्षण करता है उसको ठीक समझ में आता है सच्चाई क्या है, उसको तत्व ज्ञान होता है, नहीं तो भटकेगा और नुकसान उठाएगा। जी बोलिए, मदद। स्वामी जी, ईश्वर से हानि हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, ईश्वर कुत्ता बना देगा, अच्छा सांप बना देगा, बिच्छू बना देगा, ऐसी हानि कर देगा। आगे जी, तो इस तरह ईश्वर से हानि भी हो सकती है, अगर उसका कानून समझ के ठीक पालन करेंगे तो लाभ हो जाएगा, मनुष्य बना देगा, मोक्ष भी दे देगा। अगर उसका कानून तोड़ दिया तो कुत्ता बना देगा, सांप बना देगा, पिंछू बना देगा, या नहीं हो जाएगी। इसलिए ईश्वर के बारे में जानना जरूरी है। तो प्रमाणों से पदार्थों का परीक्षण करना ये न्याय है, इसलिए हम प्रमाणों से परीक्षा करेंगे। अब जो व्यक्ति प्रमाणों से किसी बात की परीक्षा करना चाहता है, जानना चाहता है, उसमें इच्छा है, जिज्ञासा है, सभ्यता है, नम्रता है, वो वस्तुओं से ठीक ठीक लाभ लेना चाहता है और हानि से बचना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति से हम बात करेंगे, उसको लाभ पहुंचाएंगे। भी बैठो, सुनो, हमने जो सीखा आप भी सुनो, आप भी सीखो, आप हमारे अनुभव से लाभ उठाओ, आप जो जानते हैं आप हमको बताओ, हम आपके अनुभव से लाभ उठाएंगे, आप हमारे अनुभव से लाभ उठाओ। तो जो भी होगा प्रमाण से होगा, प्रमाण छोड़ दिया तो भटक जाएंगे। प्रमाण ही एक ऐसा साधन है जो हमको सत्य तक पहुंचाएगा, अगर प्रमाण को छोड़ दिया तो भटक गए। और उसका एक सहयोगी चीज है तर्क, लॉजिक। प्रमाण मतलब प्रूफ या एविडेंस, और तर्क का मतलब है लॉजिक। तो प्रमाण और तर्क ये दो चीजें जो हमको सच्चाई पर पहुंचाती हैं और खूब अच्छा निर्णय कर देती हैं, ये सच है ये झूठ है, ये दो साधन। जो व्यक्ति इनके साथ चलेगा, प्रमाण तर्क से चलेगा, ठीक प्रकार से इनका प्रयोग करेगा, वो सच्चाई को जान पाएगा। जो प्रमाण तर्क को छोड़ देगा वो भ्रांति में पड़ा रहेगा या संशय में पड़ा रहेगा। इसलिए आप प्रमाण तर्क से सत्य की खोज करें, प्रमाणों की परीक्षा करें, वस्तुओं की परीक्षा करें, और जैसी वस्तु उससे वैसा लाभ उठाएं। पर लोग सारे समझदार नहीं होते, अपनी अपनी अकड़ में रहते हैं, तो वो अपनी अपनी मान्यताएं बनाए बैठे। इसलिए समझा रहे हैं कि सिद्धांत का अर्थ है मैं ऐसा मानता हूँ, चाहे मैं ठीक मानता हूँ चाहे गलत मानता हूँ, जो भी मेरी मान्यता है मैंने अपनी मान्यता रख दी, अपना विचार रख दिया, इसका नाम है सिद्धांत। फिर आगे खोज करेंगे ये सिद्धांत ठीक है या गलत है, सिद्धांतों में टकराव होता ही है। आज देखो तरह तरह के लोग हैं, 2000 संप्रदाय चल रहे हैं ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर, करीब करीब 2000 संप्रदाय चल रहे हैं। अब सबके अपने अपने सिद्धांत हैं, कोई कहता है ईश्वर चौथे आसमान पर रहता है, ये उसका सिद्धांत है, कोई कहता है सातवें आसमान पर रहता है, ये उसका सिद्धांत है, कोई कहता है वैकुंठ में रहता है, कोई कहता है क्षीर सागर में रहता है, कोई कहता है परम धाम में रहता है, कोई कहता है कैलाश पर्वत में रहता है, कोई कहता है श्रीपुर में रहता है, कोई कहता है सर्वव्यापक है, सबके अपने अपने सिद्धांत है। तो जो भी व्यक्ति अपना जैसा विचार रखता है वो उसका सिद्धांत है। अब फिर प्रमाण से परीक्षा करेंगे किसका सिद्धांत ठीक है और किसका गलत। हमने तो परीक्षा कर ली और हमको समझ में आ गया कि ये सिद्धांत ठीक है ये गलत है। तो हम अगर बुद्धिमान हैं, ईमानदार हैं, सत्यग्राही हैं, तो हम उस सिद्धांत को स्वीकार कर लें जो सत्य प्रमाण से, जो प्रमाण से सत्य सिद्ध हुआ, उसको हम स्वीकार कर लेंगे और लाभ उठा लेंगे। दूसरा भी बुद्धिमान होगा तो लाभ उठा लेगा, और नहीं होगा, अड़ियल होगा, मूर्ख होगा, अज्ञानी होगा, हठी होगा,
वो झगड़े करता रहेगा, ना सच्चाई को स्वीकार करेगा ना लाभ उठा पाएगा, वो नुकसान उठाएगा। तो मुझे 40-41 साल का अनुभव, मैं देश भर में बोलता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, मेरा अनुभव ये है कि अधिकांश लोग सच्चाई को सुनना भी नहीं चाहते, समझना तो बहुत दूर की बात है, सुनने को भी तैयार नहीं। तो ऐसे लोगों से अपना क्यों बुद्धि खराब करें और क्यों समय नष्ट करें? ठीक है साहब, जिसने व्हाट्सएप पर लिखा ना कि स्वामी जी ने 10,000 ग्रंथ पढ़े और आप ये भ्रांति फैला रहे हैं, उसको सच्चाई जानने की कोई इच्छा नहीं है, ऐसे लोगों को छोड़ दें, उनसे बहस ना करें, वो नहीं समझेंगे, वो समझना भी नहीं चाहते। जी किस विषय पर? मुझे ऐसा लगता है कम से कम, मैं अपना विचार बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कम से कम 10,000 तो पढ़े होंगे। क्यों पढ़े होंगे, क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि एक जगह पर उन्होंने लिखा है कि हम लगभग 3,000 ग्रंथों को प्रामाणिक मानते हैं, ये उनका एक वचन मिलता है, कितने ग्रंथों को? 3,000। हम 3,000 ग्रंथों को प्रामाणिक मानते हैं। तो जो व्यक्ति 3,000 को छांट के सेलेक्ट कर ले कि ये प्रामाणिक है, तो इससे संभावना होती है 8-10 तो पढ़े ही होंगे, 8-10,000 पढ़े होंगे, तब उसमें से 3,000 छांटे होंगे कि ये ठीक है और बाकी गलत होंगे। तो ऐसी संभावना रहती है, 10,000 तक तो बैठती है दिमाग। अब 30 है या नहीं वो उसका पता नहीं। पर स्वामी जी, अगर हम 30,000 ग्रंथों की बात करते हैं तो 40 साल की एक्टिव लाइफ में लगभग 14-15,000 दिन होते हैं जी। तो हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने 2 ग्रंथों का स्वाध्याय रोज किया, प्रतिदिन, हर दिन, जो कि सुनने में थोड़ा अजीब मुश्किल लगता है, इसे मैंने 30 से छोटा कर दिया, 10 कर दिया। इसीलिए तो कह रहे प्रमाण से सोच, अब आपने दिमाग लगाया ना कि अनुमान प्रमाण ये कहता है 30,000 पढ़ने में तो बहुत दिन लगेंगे, इतना तो टाइम था नहीं, तो दिन कम थे तो फिर संख्या भी कम करो, तो यही तो बुद्धिमत्ता की बात है। जी 3,000 का तो प्रामाणिक स्वीकार किया, 3,000 को प्रामाणिक माना, ये नहीं लिखा कि 3,000 पढ़े, इस बात में और उस बात में अंतर, वो कह रहे 30,000 पढ़े और वहाँ लिखा है 3,000 प्रामाणिक, ये तो लिखा हुआ है उनके अपने ही, एक ब्रह्मोच्छेदन, अनुब्रह्मोच्छेदन, ऐसी ऐसी कुछ पुस्तकें लिखी उन्होंने जो लोगों के प्रश्नों के उत्तर देते थे, उसका समाधान उसमें ये लिखा है कि हम 3,000 के लगभग ग्रंथों को प्रामाणिक मानते हैं। तो इससे संभावना होती है कि 10,000 पढ़े हुए जिसमें से 3,000 छांट लिए कि ये ठीक है और ये गलत है, इसी बात। अब इस बात को कोई समझना चाहे तो ठीक है, बुद्धिमत्ता से, ईमानदारी से सुने तो समझा देंगे। अब जो कोई पहले से ही अड़ियल है, आप फालतू बातें मत फैलाओ, भ्रांति मत फैलाओ, तो वो क्या समझेगा? वो तो सुनना ही नहीं चाहता, वो क्या समझेगा? तो मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों को छोड़ दें। और जो सांख्य दर्शन एक और बात कहता है कि संसार में जितने लोग हैं वो सब राग द्वेष में पड़े, हाँ या ना? तो वहां सांख्य में लिखा है कि जो संसारी लोग हैं राग द्वेष वाले, उनसे ज्यादा संपर्क न बढ़ाएं, कम संपर्क रखें, थोड़े लोगों से संपर्क करें, जितने ज्यादा लोगों से संपर्क करेंगे उतने ज्यादा लड़ाई झगड़े हो, क्योंकि वो सब राग द्वेष में डूबे हुए और वो अपनी अपनी मान्यता पर अड़े हुए, हट के कारण, दुराग्रह के कारण, अविद्या के कारण, स्वार्थ के कारण, ये चार कारण लिखे सत्या प्रकाश की बोध का भाष्य ध्यान देंगे। मनुष्य का आत्मा सत्या सत्य को जानने हारा है, तथापि स्वप्रयोजन की सिद्धि या अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अविद्या आदि दोषों में फंसकर सत्य को छोड़कर असत्य में झुक जाता है, ये स्वामी दयानंद जी ने चार कारण बताए। तो सारी दुनिया में ये चार कारण घुसे हुए, कहीं स्वार्थ है, कहीं हठ है, कहीं दुराग्रह है, कहीं अविद्या है, तो ये लोग सच्चाई को सुनना नहीं चाहते, इसलिए मना किया कि इन लोगों से समय खराब मत करो, जो सीखना चाहता हूँ उसको सिखाओ। मेडिकल कॉलेज में सबको एडमिशन नहीं मिलता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में सबको एडमिशन नहीं मिलता है, बहुत सिलेक्टेड लोग लिए जाते हैं, जो विशेष बुद्धिमान है जो पढ़ सकते हैं, उन्हीं को टीचर को अपनी एनर्जी लगाते हैं, और जो नहीं पढ़ सकते उसकी छुट्टी कर देते, पहले रिजेक्ट, एडमिशन ही नहीं देते। तो इसलिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन बुद्धिमान है, कौन सीखना चाहता है, कौन जिज्ञासु है, उसके लिए समय लगाएं। तो ज़्यादा ग्रुप में, ज़्यादा प्रचार में मत उलझिए, थोड़े लोग रखिए जो समझदार हों, उनसे संपर्क रखिए, उनको सुनाइए, उनको सिखाइए,
बाकी हो ना उसको झगड़ा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना किसी के साथ, ठीक है ना। हाँ कोई बात नहीं, जो सुनना चाहता सुनाओ, नहीं सुनना चाहता छोड़ो, कोई बात नहीं। चलिए हम बात कर रहे थे अपने सिद्धांत की, सिद्धांत की परिभाषा होगी जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि अमुक वस्तु ऐसी है अथवा मैं इस वस्तु को ऐसा मानता हूँ, इस तरह का जो प्रेजेंटेशन जो प्रस्तुतिकरण है किसी वस्तु के बारे में, इसको सिद्धांत कहते हैं। अब अगला सूत्र देखिए 26वां। तो 26वें सूत्र में लिखा है बोलिए तंत्र अधिकरण उपगम संस्थिति सिद्धांत। तंत्र अधिकरण अभ्युगम संस्थिति सिद्धांत, ये तीन प्रकार के सिद्धांत बताए। संस्थिति ये जो शब्द है संस्थिति, इसका अर्थ है किसी वस्तु के बारे में स्थापना करना, जो अभी अभी मैंने परिभाषा बताई ना संस्थिति, अमुक वस्तु ऐसी है इसका नाम है संस्थिति। किसी वस्तु को स्थापित करना, उसके बारे में ये कहना कि अमुक वस्तु ऐसी है, इस तरह से कहना, ये है सिद्धांत। और ये संस्थिति तीन प्रकार की है, एक का नाम है तंत्र संस्थिति, ये संस्थिति शब्द तीनों के साथ जुड़ेगा, तंत्र संस्थिति अधिकरण संस्थिति अभ्युपगम संस्थिति, इस तरह से। तो अब संस्थिति का ही नाम सिद्धांत है, तो हम इसको सिद्धांत शब्द से इस तरह से बोलेंगे, तंत्र सिद्धांत अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत, इस तरह से तीन तरह के सिद्धांत हो गए। ठीक है, तंत्र सिद्धांत अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत, ये तीन तरह के सिद्धांत होते हैं, मूल तो तीन ही है। अब अगले सूत्र में इसके चार बना देंगे, तीन के चार कर देंगे, क्योंकि तंत्र के दो भेद हो जाएंगे। तंत्र का अर्थ होता है शास्त्र, हाँ जी, तंत्र का अर्थ क्या है शास्त्र, तो शास्त्र दो प्रकार के हैं, इसलिए तंत्र के दो भेद कर देंगे, एक सामान्य तंत्र एक परतंत्र। अब आगे सूत्र अगला देखिए 27वां, सचतुर्विधा सर्वतंत्र प्रतितंत्र अधिकरण अभ्युपगम संस्थिति अर्थांतर्भावात्। 27वें सूत्र में कह रहे हैं स चतुर्विध, स वह सिद्धांत, चतुर्विध चार प्रकार का है, उस तंत्र के दो भाग चाहिए, एक का नाम है सर्वतंत्र दूसरा है प्रतितंत्र। तो एक हो गया सर्वतंत्र सिद्धांत, बोलिए दूसरा है प्रतितंत्र सिद्धांत, तीसरा है अधिकरण सिद्धांत, चौथा है अभ्युपगम सिद्धांत। इस तरह से चार प्रकार के सिद्धांत हुए। अंतिम शब्द है अर्थांतर भावार्थ, अर्थांतर का अर्थ है भिन्नता डिफरेंस, इन चारों में डिफरेंस है अंतर है, इसलिए चार प्रकार के सिद्धांत है। पहला सर्वतंत्र सिद्धांत, दूसरा प्रतितंत्र सिद्धांत, तीसरा अधिकरण सिद्धांत, चौथा अभ्युपगम सिद्धांत। ये चार प्रकार के सिद्धांत हैं, इनमें परस्पर भेद है अंतर भिन्नता है। अब क्या भिन्नता है वो अगले सूत्रों में देखिए, आगे सूत्र 28वां। सर्वतंत्र अविरुद्ध तंत्रे अधिकृतो अर्थ सर्वतंत्र सिद्धांत, ये सर्वतंत्र सिद्धांत की परिभाषा है।
सर्वतंत्र अविरुद्ध, सभी शास्त्रों के अविरुद्ध, अविरुद्ध मतलब अनुकूल, विरुद्ध नहीं, सभी शास्त्रों में एक जैसा स्वीकृत, कोई विरोध नहीं, जिस सिद्धांत को सारे शास्त्र एक जैसा मानते हैं, एक रूप में स्वीकार करते हैं, वो है सर्वतंत्र अविरुद्ध। उदाहरण के लिए आंख, नाक, कान आदि, इनका नाम है इंद्रियम। क्या नाम? इंद्रियम। आंख, नाक, कान आदि को सबको सारे शास्त्र इंद्रियम बोलते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पदार्थों को सारे शास्त्र भूत कहते हैं, पंचमहाभूत। पंचमहाभूत सुना था ना, इसी अध्याय में भी आया था पहले, पृथ्वी, तेजो, वायु, आकाशम, इति भूतम्, ये पांच भूत हैं। तो सारे शास्त्र इनको भूत कहते हैं, पंचमहाभूत। भूत मतलब मेटीरियल, जड़ वस्तु, भूत। तो आंख, नाक, कान आदि इंद्रियां हैं, पृथ्वी आदि पंचमहाभूत हैं, ये दो सिद्धांत हैं जिनको सभी शास्त्र एक जैसा स्वीकार करते हैं। इस मामले में किसी भी शास्त्र का कोई विरोध नहीं है। और फिर कहते हैं तंत्रे अधिकृतो अर्थः, जो शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, तंत्रे इस शास्त्र में, ये शास्त्र हम पढ़ रहे हैं न्याय दर्शन, इस न्याय शास्त्र में भी अधिकृतो अर्थः इसकी चर्चा है, इस शास्त्र में भी इसका उल्लेख है, तो उसका नाम सर्वतंत्र सिद्धांत है। तो जिस बात को सभी शास्त्र मानते हैं, एक जैसा मानते हैं, और जो शास्त्र हम पढ़ रहे हैं उसमें भी उसको स्वीकार किया है, वैसा ही स्वीकार किया है, ऐसे सिद्धांत का नाम सर्वतंत्र सिद्धांत है। और ये समझ में आ गया? अब दूसरा है प्रतितंत्र सिद्धांत, अगला सिद्धांत देखिए। समान तंत्र सिद्ध, बोलिए, समान तंत्र सिद्ध, परतंत्र असिद्ध, परतंत्र असिद्ध, प्रतितंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत। तो इस सूत्र में बता रहे हैं कि प्रतितंत्र सिद्धांत क्या होता है। दो तरह के शास्त्र हैं, एक शास्त्रों का नाम है समान शास्त्र या समान तंत्र, तंत्र मतलब शास्त्र, तो समान तंत्र अथवा समान शास्त्र। तो कह रहे हैं समान तंत्र सिद्ध, जो हमारे शास्त्र के समान दूसरा शास्त्र है, जिसके विचार मिलते जुलते हैं, उसको बोलेंगे समान शास्त्र। जैसे योग दर्शन और सांख्य दर्शन, ये दोनों समान शास्त्र हैं, इनके सिद्धांत लगभग मिलते जुलते हैं, एक जैसे। और दूसरा शास्त्र इनसे भिन्न शास्त्र, उसका नाम है परतंत्र, भिन्न शास्त्र, वो है न्याय और वैशेषिक। न्याय और वैशेषिक के सिद्धांत आपस में मिलते जुलते, योग और सांख्य के आपस में मिलते जुलते, तो न्याय और वैशेषिक समान शास्त्र हुए, योग और सांख्य समान शास्त्र हुए, लेकिन योग और न्याय में भिन्नता है, भिन्नता है, इसलिए ये परतंत्र होगा, भिन्न शास्त्र। योग दर्शन का समान शास्त्र सांख्य दर्शन, और योग दर्शन का न्याय दर्शन भिन्न शास्त्र। तो ये कह रहे हैं समान तंत्र सिद्ध, समान शास्त्र में तो ठीक है, सिद्ध है एक जैसा, पर दूसरे शास्त्र में वैसा नहीं, कुछ अलग प्रकार से, उस तरह से स्वीकार नहीं किया, भिन्न प्रकार से स्वीकार किया, तो थोड़ा अंतर आ गया, प्रस्तुतिकरण का अंतर आ गया। दो तरह से सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण होते हैं, एक प्रस्तुतिकरण ऐसा होता है कि वहां पर सिद्धांतों में वास्तव में टकराव होता है, विरोध होता है, और दूसरा प्रस्तुतिकरण ऐसा होता है, शब्दों का तो भेद होता है, सिद्धांत में टकराव नहीं होता, ऐसे दो तरह से बात को कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए योग और सांख्य दर्शन, ये दोनों समान शास्त्र हैं, ये दोनों एक ही भाषा बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं कि जो भी वस्तु संसार में हमें आती है, दिखती है, वो कहीं ना कहीं से प्रकट होती है, इनकी भाषा है वस्तु प्रकट होती है, इसको अभिव्यक्तिवाद कहते हैं, अभिव्यक्ति, अथवा दूसरा नाम है सत्कार्यवाद।
जो भी कार्य वस्तु सामने आती है वो पहले कहीं ना कहीं किसी कारण में छुपी हुई थी। जैसे घड़ा, घड़ा मिट्टी में छुपा हुआ था, उस मिट्टी में से प्रकट हो गया। अगर घड़ा मिट्टी में छुपा नहीं होता तो घड़ा मिट्टी से कभी बाहर नहीं आता। रोटी आटे में छिपी हुई थी, इसलिए आपने आटे में थोड़ी प्रोसेस की तो रोटी बाहर आ गई। रोटी कहाँ से आ गई? शून्य में से नहीं आई, आटे में से आई। ये भाषा है योग और संख्या की। तो ये कहना चाहते हैं कि जो कार्य वस्तु है वो कहीं ना कहीं कारण में छिपी हुई थी, दूसरे रूप में थी, इस रूप में नहीं थी। फिर हमने उसमें कुछ प्रक्रिया की, प्रोसेस की और वो इस रूप में प्रकट हो गई। इसको बोलते हैं अभिव्यक्तिवाद अथवा सत कार्यवाद। सत माने सत्ता, कार्य का मतलब कार्य वस्तु। कार्य वस्तु की सत्ता पहले भी थी, किसी दूसरे रूप में थी, इस रूप में नहीं थी। ये भाषा है योग और सांख्य की। अब न्याय और वैशेषिक की जो भाषा है, इनका सिद्धांत यह है असत कार्यवाद। क्या है? असत कार्यवाद। यहाँ पर शब्दों का प्रस्तुतिकरण भिन्न है। वो सत कार्यवाद कह रहे हैं, ये असत कार्यवाद कह रहे हैं, ये भिन्नता है। लेकिन टकराव कुछ नहीं है, दोनों में टकराव कुछ नहीं है, सिर्फ भाषा का अंतर है। इनकी भाषा ये है कि कार्य वस्तु जो उत्पन्न होती है वो कारण से उत्पन्न होती है, पहले वो इस रूप में नहीं थी। घड़ा मिट्टी से जब बना तो घड़ा पहले घड़े की शक्ल में नहीं था। इनकी भाषा ये, घड़ा उत्पन्न हुआ, पहले घड़ा घड़े के रूप में नहीं था। और सांख्य योग वाले कह रहे घड़ा मट्टी में छुपा हुआ था। बस ये भाषा का अंतर है, टकराव कुछ नहीं। दोनों व्यक्ति ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि घड़ा जब भी सामने आएगा तो मट्टी से ही आएगा। योग सांख्य वाले भी कह रहे हैं घड़ा जब भी प्रकट होगा तो मट्टी से प्रकट होगा, शून्य में से प्रकट नहीं होगा। और न्याय वैशेषिक वाले कह रहे हैं कि घड़ा जब भी बनेगा तो मट्टी से बनेगा, बिना मट्टी के नहीं बनेगा। तो टकराव कुछ नहीं, दोनों की बातों में सिद्धांत में कोई टकराव नहीं, सिर्फ भाषा का अंतर। अनुमान की तरह हो गया है जी। अनुमान प्रमाण में जैसे बताया आपने जी, ये है तो ये हुआ, तो उल्टा भी उसका ये हुआ तो ये है। हाँ, ऐसा वहां भी लगा सकते हैं, वहां भी लगा सकते हैं, उसमें टकराव कुछ नहीं होगा। टकराव नहीं, हाँ टकराव नहीं है, बस प्रेजेंटेशन का डिफरेंस, भाषा बोलने का अंतर है। एक कह रहा है कि कार्य पहले कार्य के रूप में नहीं था, वो नहीं था बोल रहा, वो कह रहा है कार्य पहले कारण के रूप में था, वो था बोल रहा है या नहीं था बोल रहा है, बस प्रस्तुतिकरण का भेद, टक्कर कुछ नहीं। दोनों का समन्वय ये है कि दोनों के दोनों इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि घड़ा जब भी बनेगा वो मट्टी में से ही आएगा, बिना मट्टी के घड़ा नहीं बनेगा, इसलिए दोनों का सिद्धांत एक ही है। लेकिन प्रस्तुतिकरण में भिन्नता होने से इसको प्रतितंत्र सिद्धांत कहेंगे। उनकी भाषा ऐसी, इनकी भाषा ऐसी, इसका नाम है प्रतितंत्र सिद्धांत। एक क्लोज है, एक क्विक है जी, एक क्लोज है, एक क्विक है। हां, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। एक पॉजिटिव है, वो कह रहा है कार्य पहले वस्तु में, कार्य किसी कारण में छुपा हुआ था, था ये पॉजिटिव कह रहा है। वो कह रहा है कार्य पहले किस रूप में नहीं था, ये नेगेटिव बोल रहा है। सिर्फ शब्दों का भेद, विरोध कुछ नहीं। तो ये भी प्रतितंत्र सिद्धांत है, जहां जहां पर शब्दावली का भेद हो और टकराव ना हो वो भी प्रतितंत्र है। और दूसरा ढंग है कि कहीं कहीं पर शब्दावली में भी टक्कर है और सिद्धांत में भी टक्कर है, विरोध भी है, वो भी प्रतितंत्र सिद्धांत है। जैसे एक व्यक्ति कहता है ईश्वर अवतार लेता है, दूसरा कहता है नहीं लेता, अब तो ये सिद्धांत में भी टक्कर है, ठीक है ना, सिद्धांत में ही टक्कर है। एक कह रहा है ईश्वर अवतार लेता है, दूसरा कहता है नहीं लेता, तो यहाँ टकराव है। ये दोनों अब प्रतितंत्र सिद्धांत कहलाए। वेद में लिखा ईश्वर अवतार नहीं लेता, पुराण में लिखा लेता है, अब ये दोनों टकराने वाले सिद्धांत हो गए। तो जितने भी वैदिक शास्त्र हैं, वेद और वैदिक शास्त्र, ये तो सारे एक पक्ष में हो गए, इनके सिद्धांत में टकराव नहीं होगा। भाषा में अंतर हो सकता है, भाषा में अंतर हो सकता है, पर सिद्धांत में टकराव नहीं होगा, क्योंकि इन सबका मूल भेद है।
ईश्वर का वचन है, वो सत्यवादी ईश्वर। इसलिए ईश्वर की ही बातों को ऋषियों ने अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया। तो प्रस्तुतिकरण का भेद भले ही हो, पर सिद्धांत में विरोध नहीं होगा। सब ऋषि एक मत वाले, सबका एक ही सिद्धांत है, वेद क्या होगा। अब जो अवैदिक शास्त्र है, पुराण है, बाइबल है, पुराण है, और इस तरह जो भिन्न शास्त्र है, जो अवैदिक वेदों के विरुद्ध शास्त्र है, उनमें जो बातें हैं वो इनकी वेदों से टकराती हैं, इसलिए उनको प्रतितंत्र बोल रहे हैं। ये टकराने वाले प्रतितंत्र है। और अगर यहाँ प्रस्तुतिकरण में भिन्नता हो तो प्रतितंत्र तो बनेंगे पर टकराएंगे नहीं। तो ये दो तरह के प्रतितंत्र सिद्धांत है, ये समझना। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसकी परीक्षा करेंगे, प्रमाण से परीक्षा करेंगे किसका सिद्धांत कैसा है। हम बोलने में सब स्वतंत्र है, बोलने में क्या दिक्कत है, ओके हाँ हाँ ईश्वर उतार लेता है, अब बोलने में कोई जबान थोड़ी अटक जाएगी, वो तो बोल देगा ईश्वर उतार लेता है, पर वो जो कुछ बोलता है ये आवश्यक नहीं कि वो सत्य हो, झूठ भी होता है। दुनिया में बहुत सारे लोग सत्य बोलते हैं, बहुत सारे लोग झूठ भी बोलते हैं, हाँ या ना। अच्छा, सत्य ज्यादा बोलते हैं झूठ ज्यादा बोलते हैं? संसार में झूठ अधिक बोलते, सत्य तो कम बोलते, क्योंकि सत्य बोलने के लिए प्रमाण चाहिए, और प्रमाण को लोग जानते नहीं, ना प्रमाण को जानते ना उसका प्रयोग करना आता, जो मन में ऐसे बोलते जाते हैं इसलिए गलतियां करते हैं। तो न्याय दर्शन हमको बोलना सिखाता है, सोचना सिखाता है, फिर बोलना सिखाता है कि कैसे सोचे, कैसे बोले, नाप तोल करके बोलो, प्रमाण से पहले परीक्षा करो, उसके बाद बोलो, अगर समझ में नहीं आया तो चुप रहो मत बोलो, बोलो तो गलती करोगे, गलती करोगे पिटाई होगी, ईश्वर नहीं छोड़ेगा, वो दंड देगा। इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा, बोलना आवश्यक नहीं है, मौन रह सकते हैं, नहीं आता तो नहीं बोलो, नहीं मानो चलेगा, पर गलत बोलना अपराध है, गलत नहीं बोल सकते, बोलो तो ठीक बोलो नहीं तो चुप रहो, ये नहीं हो। इसलिए बोलना बहुत जिम्मेदारी वाला काम, बहुत खतरनाक काम, बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत प्रमाणों से आपको मैटर जुटाना पड़ेगा, तब कुछ बोल सकते हैं। और जो भी कुछ बोलेंगे उसका प्रमाण आपके पास होना चाहिए, या तर्क होना चाहिए या प्रमाण होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो ये 40 साल पहले गुरु जी ने हमको सिखाया, जब हमने न्याय दर्शन शुरू किया पढ़ना, तो गुरु जी ने सिखाया बोलना सीख लो, बोलो तो प्रमाण से बोलो नहीं तो चुप रहो, हमने सीख लिया। फिर बीच बीच में गुरु जी हमारी परीक्षा लेते रहते, हाँ भाई इसका क्या उत्तर है, तब हमको पता नहीं, तो हमने कहा गुरु जी पता नहीं, बोले खूब जोर से हंसे, बोले हाँ ये अच्छा रास्ता निकाल रहा हूँ, नहीं पा लो जान छुटी। अब उल्टा सीधा बोले कोई प्रमाण है नहीं तो बच जाएंगे ना, मान लो कुछ उत्तर दे दिया, गुरु जी पूछेंगे क्या प्रमाण, अब प्रमाण तो है नहीं, बस वहाँ फंस गए। तो इस तरह से उन्होंने बोलना सिखाया। तो आप भी इस न्याय दर्शन को पढ़ते हैं और ये टेक्निक सीख लीजिए, बोलने से पहले प्रमाण ढूंढिए, अगर प्रमाण है तो बोलिए, प्रमाण नहीं है तो चुप रहिए, जितना मालूम है उतना बोलिए, आगे नहीं मालूम तो कह दो नहीं मालूम। तो मैं जब भी बैठता हूँ यहाँ शंका समाधान के लिए मंच पर, तो शंकाएं में तो पता नहीं कौन क्या पूछ ले, सबके मन में तरह तरह की शंकाएं होती हैं, तो मैं पहले ही घोषणा कर देता हूँ आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने की गारंटी नहीं है, इसलिए पहले घोषणा कर देता हूँ, आप पता नहीं क्या क्या पूछ ले मुझे ना आता हो तो, इसलिए मैं कोई गारंटी नहीं लेता कि आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। मैं कहता हूँ आप प्रश्न पूछें, प्रेम से पूछें, सभ्यता से पूछें, नम्रता से पूछें, जिज्ञासा भाव से पूछें, ये प्रश्न पूछने की सभ्यता है, उसका नियम है, आप अपने नियम का पालन करें और मैं अपने नियम का पालन करूंगा। मेरा नियम यह है कि यदि मुझे उत्तर आता है तो बता दूंगा, नहीं आता तो नहीं, गारंटी नहीं। हाँ ये गारंटी है कि झूठ नहीं बोलूंगा, ये गारंटी है धोखा नहीं दूंगा, आपको मिसगाइड नहीं करूंगा, ये मेरी गारंटी है। इसलिए मैं कहता हूँ मैं तो गारंटी दे रहा हूँ आपको, झूठ नहीं बोलूंगा, धोखा नहीं दूंगा, आप भी गारंटी दो कि आप झगड़ा नहीं करेंगे, नहीं तो लोग झगड़ा करते हैं, वो बहानेबाजी क्या करते हैं, कहिए मेरी एक शंका है, बात करेंगे यहाँ से कि मेरी एक शंका है, और फिर शुरू हो जाएंगे शास्त्रार्थ करने, शंका वंका कुछ नहीं, उसको तो झगड़ा करना है, वो फिर झगड़ा शुरू कर देंगे। तो ऐसे भी कुछ लोग मिलते रहते हैं, रोज मिलते हैं,
कोई ना कोई कोई ना कोई सभी सभाओं में एकाध एकाध मिलता ही रहता झगड़ा, फिर उसको मुश्किल से चुप कराना पड़ता है। तो बातचीत करने के ये नियम है, या तो शंका समाधान करो या शास्त्रार्थ करो, ये दो मोटी मोटी पद्धतियां हैं, या तो शंका समाधान करो या शास्त्रार्थ करो। शंका समाधान का नियम यह है, मैं ये बात जानना चाहता हूँ, मुझे ये बात समझ में नहीं आई, कृपया मुझे समझाएं, मुझे स्पष्ट करें, ये भाषा होती है शंका की। तो शंका समाधान में पूछने वाले ने अपनी बात पूछ ली कि मैं ये जानना चाहता हूँ, उत्तर देने वाला समाधान कर देगा कि आपके प्रश्न का उत्तर ये है, मान लो इसको इच्छा हो जाएगी इसका क्या प्रमाण है, तो प्रमाण पूछ सकता है, जिसने उत्तर दिया वो प्रमाण बताएगा, देखो ये प्रमाण, प्रमाण नहीं है तो तर्क बताएगा, ये तर्क है, या तो प्रमाण बताएगा या तर्क बताएगा, दो में से कुछ बताएगा, अगर प्रमाण भी नहीं है और तर्क भी नहीं है तो चुप, फिर नहीं बोला कि मेरे को पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं, या फिर ऐसा बोलो कि मुझे अब तक ये समझ में आया, मुझे ऐसा लगता है, ये ठीक भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता। तो ऐसा बोलना बहुत रेयर होना चाहिए, अधिकांश तो वही बोलना चाहिए जो आपके पास प्रमाणित है, जो सही बात है वही बताओ, जब समझ में नहीं आए तो मना ही कर दो, कहिए अभी समझ में नहीं आए, इस तरह से। और जब प्रश्न पूछने वाला प्रश्न पूछता है, उत्तर देने वाला उत्तर देता है, मान लीजिए प्रश्न पूछने वाले को उत्तर जचा नहीं, उसकी बात उसको जची नहीं, दिमाग में बैठी नहीं, तो अब वो कहता है नहीं नहीं आपकी बात तो गलत है, ये नहीं बोल सकते शंका समाधान में, ये वाक्य नहीं बोल सकते आपकी बात गलत है। अगर आपने ये कह दिया आपकी बात गलत है तो इसका मतलब ठीक क्या है वो आप जानते हैं, आपने कैसे डिसाइड कर लिया मेरी बात गलत है, इसका मतलब सही क्या है वो आप जानते हैं, अगर आप सही बात जानते हैं तो फिर प्रश्न के मुंह से आप तो जानते ही थे, फिर आप मेरी परीक्षा लेने के लिए बैठे हैं, आपको परीक्षा देने के लिए नहीं आया, आपकी समस्या सुलझाने आया, आप अपनी समस्या सुलझाएं, अपना प्रश्न पूछें और उत्तर ले, नहीं जैसा तो कोई बात नहीं, चुप रहे, आप मेरी बात से सहमत नहीं है कोई बात नहीं, ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो मैं उत्तर दूंगा वो आपके दिमाग में आज ही उतर जाएगा या आज ही आप सहमत हो जाएंगे, आज ही आपको मेरी बात जचेगी, ये कोई आवश्यक नहीं है, आपका मेरा विचार भेद हो सकता है, विचार भेद हो तो कोई बात नहीं, आप ये तो कर सकते हैं कि बात थोड़ी कम समझ में आए, इसको थोड़ा और समझाएं, ये तो कह सकते हैं, अथवा मेरे उत्तर के बाद कोई अगला नया प्रश्न उत्पन्न हो जाए तो आप नया प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा, फिर आप अगला प्रश्न पूछ सकते हैं मैं उत्तर दूंगा, ये तो ठीक है शंका समाधान, पर ये बोलने का अधिकार नहीं है आपका कि आप गलत कह रहे हैं, अगर आपने कह दिया आप गलत कह रहे हैं तो यहाँ शंका समाधान की सीमा खत्म हो गई, अब तो शास्त्रार्थ हो गए, आप अपना पक्ष है मेरा अपना पक्ष है, जब दो व्यक्ति पक्ष बनाकर बात करते हैं तो उसका नाम है शास्त्रार्थ, उसके नियम अलग है, शास्त्रार्थ के नियम है कि दो व्यक्ति आपस में विरुद्ध सिद्धांत रखते हैं, दोनों के सिद्धांत में टकराव, और दोनों कहते हैं मैं ऐसा मानता हूँ, वो कहते हैं मैं ऐसा मानता हूँ, तो अब इनमें बहस चलेगी, शास्त्रार्थ होगा, और इनकी बातों को तीन बुद्धिमान न्यायाधीश सुनेंगे, क्या बोला, कम से कम तीन न्यायाधीश उनकी बात को सुनेंगे, दोनों की चर्चा सुनेंगे, जनता भी सुने कोई दिक्कत नहीं है, और वो दोनों पक्षों की बात सुनेंगे तीन न्यायाधीश, और फिर वो अपना फैसला देंगे दो में से कौन थी, वो है शास्त्रार्थ। तो अभी शास्त्रार्थ की तो तैयारी नहीं होगी आपकी, शास्त्रार्थ के लिए तो बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, सारे प्रमाण देने पड़ेंगे, तर्क देने पड़ेंगे, पर जितने सवाल एक व्यक्ति पूछेगा दूसरे को सारे उत्तर देने पड़ेंगे, जितने सवाल ये पूछेगा इसको उत्तर देने पड़ेंगे, जितने सवाल ये पूछेगा इसको उत्तर देने पड़ेंगे, प्रमाण से और तर्क से बोलना पड़ेगा, कहीं पंचवयव की आवश्यकता पड़ी वो भी प्रस्तुत करना पड़ेगा, ये है शास्त्र, और इसमें ईमानदारी से बात करनी होगी, झूठ छल कपट चालाकी कुछ नहीं चलेगी, ये ईमानदारी की चर्चा है, इसको बोलते हैं वाद। देखिए सूत्र दूसरा चैप्टर दूसरा आनिक पहला सूत्र देखिए, इसमें वाद लिखा है, ये वाद के नियम, वाद का अर्थ होता है शुद्ध बातचीत,
ईमानदारी से जो बातचीत की जाती है, जिसमें उद्देश्य होता है सत्य की खोज करना, सत्य क्या है वो समझना समझाना। तो कहीं कहीं ईमानदारी से दो व्यक्ति बातचीत करते हैं, वो कहता है मुझे तो ऐसा लगता है, दूसरा कहता है नहीं मुझे ऐसा लगता है, दोनों में टकराव है। तो वो कहते हैं ठीक है बैठ के बात करते हैं, तीन न्यायाधीश उनकी बात सुनेंगे और दोनों अपना अपना पक्ष रखेंगे, फिर वो न्यायाधीश निर्णय कर देंगे किसकी बात ठीक है, वो सत्य सिद्ध हो जाएगा और दूसरे को वो स्वीकार करना होगा। ये है ईमानदारी की बातचीत जो पहले सूत्र में बताई। अब अगले सूत्र में है वितंडा, नहीं जब, दूसरे सूत्र में अगला सूत्र देखिए, उसमें लिखा है जब, समय नहीं इसलिए व्याख्या नहीं कर रहा, मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। बाद में दोनों व्यक्तियों को सबसे पहले अपने पक्ष की स्थापना करनी पड़ेगी, मैं ऐसा मानता हूँ, वो कहेगा मैं ऐसा मानता हूँ, और दोनों की मान्यता में टक्कर होनी चाहिए, विरोध होना चाहिए, तब बातचीत आगे चलेगी। इसको बोलते हैं पक्ष प्रतिपक्ष। जब पक्ष प्रतिपक्ष हो तो चर्चा आगे बढ़ेगी और दोनों को अपने अपने पक्ष की स्थापना करनी पड़ेगी और ईमानदारी से बात करें। जिसकी बात प्रमाण से तर्क से कट गई वो कैसे छोड़ देना होगा, फिर वो उसको असर देगा, और कोई प्रमाण तर्क हो तो बताइए, फिर और बताएगा वो उसको उत्तर देगा, उसको काट देगा, फिर और बताएगा वो उसको काट देगा, अंत में जो स्थापित होगा वो सत्य होगा और उसका निर्णय न्यायाधीश लोग करें। अब दूसरी पद्धति है बातचीत करने के शास्त्रार्थ की, चल अगले सूत्र में। विरोधी, जैसे एक ने कहा ईश्वर अवतार लेता है, ये एक पक्ष, ये पक्ष। दूसरे ने कहा ईश्वर अवतार नहीं लेता, ये प्रतिपक्ष। दोनों में टकराव होना चाहिए, एक कहेगा ईश्वर साकार, दूसरा कहेगा ईश्वर निराकार, ये प्रतिपक्ष है। प्रतिपक्ष का मतलब दूसरा विरोधी पक्ष, एंटी, उसका विरोध। अब जब विरोध नहीं है आपस में तो बातचीत नहीं चलेगी। जैसे उदाहरण के लिए एक ने कहा ईश्वर सर्वशक्तिमान, क्या कहा, दूसरे ने कहा ईश्वर सर्वव्यापक, क्या इन दो बातों में विरोध है? इस पर चर्चा नहीं चलेगी। चर्चा तब चलेगी जब टक्कर होनी चाहिए, टकराव हो तब बहस होगी, जब टकराव होगी तो बहस कहेगी। एक घंटा चर्चा करते रहेंगे, एक घंटे बाद वो कहेगा मैं यही तो कह रहा था, वो कहेगा मैं भी तो यही कह रहा, जब दोनों एक ही बात कह रहे थे तो एक घंटा क्यों बर्बाद किया, अपना समय बचाओ, पहले से ही बताओ ना मैं क्या मानता हूँ। वो कहेगा मैं ये मानता हूँ, वो कहेगा मैं ये मानता हूँ, दोनों में टक्कर है तो बात शुरू होगी, नहीं तो बात खत्म, वही बात खत्म हो जाएगी। तो इसका नाम है पक्ष प्रतिपक्ष, टकराने वाला होना चाहिए। अब जल्द में क्या होता है कि वाद के सारे नियम लागू होते हैं, लेकिन इसमें गड़बड़ क्या है, इसमें आदमी झूठ बोलता है, चालाकी करता है, छलकपट करता है, धोखा देता है, आँख में धूल झोंकता है, उसको टॉपिक डाइवर्ट करता है, ये सारी गड़बड़ शुरू करता है। तो इसका उद्देश्य सत्यासत्य का निर्णय करना नहीं, इसका उद्देश्य है हार जीत, सामने वाले को हराओ और खुद को जिताओ, चाहे झूठ छलकपट चोरी बेईमानी धोखाधड़ी कुछ भी करना पड़े, जैसे तैसे करके अपने को जिताओ। तो इस तरह से बहुत सारे लोग बातचीत करते हैं। न्याय दर्शनकार गौतम मुनि ये नहीं कहना चाहते कि आप भी ऐसा सीख लो और ऐसा करो, वो ये नहीं कहना चाहते, वो ये कहना चाहते हैं कि लोग ऐसी गड़बड़ करते हैं, आप उनकी चालाकी को पहचानो, उनसे बच के चलो, वरना वो आपको बेवकूफ बना देंगे, आपको मूर्ख बना देंगे और आपकी सच्चाई का विनाश कर देंगे, इसलिए उनसे अपनी रक्षा करना सीखो। दुष्ट बेईमान झूठे मक्कार लोगों से अपनी रक्षा करना सीखो, उनकी चालाकियाँ सीखो, ये किस तरह की चालाकी करते हैं, ताकि आप अपनी रक्षा कर सकें, सत्य की रक्षा कर सकें। इस पर्पज से ये बात बताएंगे कि ये भी एक तरीका है बात करने का। और तीसरा तरीका है आगे वितंडा। वितंडा का स्वामी जी जैसे शास्त्रार्थ करते थे तो वो अल्लाह मचा लेते थे, वो जल्द में आ जाएगा। हाँ, वो जल्द में आएगा और वितंडे में आएगा। वितंडे की बात सुनिए, वितंडे में क्या है कि जब दो व्यक्ति बात करते हैं तो जो नियम जल्प में थे वो सारे वितंडे में है, क्यों कही झूठ छल कपट चालाकी सब चले, लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि जो वितंडा करने वाला व्यक्ति है वो अपने पक्ष की स्थापना नहीं करेगा। क्या बोलो,
बस ये और ज्यादा खराब चीज है, वो अपने पक्ष की स्थापना नहीं करेगा, मैं क्या मानता हूँ ये नहीं बताए, हमला करेगा दूसरे पर। अच्छा आप ऐसा मानते हो तो ये बताओ, आप ऐसा मानते हो तो ये बताओ, इसका उत्तर दो, इसका उत्तर दो, उसको जाता रहेगा और अपनी बात नहीं करेगा, मैं क्या मानता हूँ। ये और भी खतरनाक है, इसका भी उद्देश्य वही, उसको गिराना और अपने को ऊंचा दिखाना, इसका नाम है वितंडा। तो आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो अपनी बात कुछ नहीं कहेंगे और दूसरे पे हमला करते जाएंगे, दूसरे का खंडन करते जाएंगे। तो पहले जब मैं ट्रेन में बस में घूमता था तो मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिलते थे, मैं घूमता था प्रचार में, कहीं ना कहीं बात शुरू हो जाती थी। तो एक बार ऐसे ट्रेन में बैठा था और ऐसे बात चल पड़ी, एक व्यक्ति खूब हमला करने लगा, खंडन खंडन खंडन, और अपनी बात कुछ बताई नहीं। तो मैंने तो ये सारा पढ़ रखा था न्याय दर्शन, तो मुझे तो पता था कि तंडावादी है, इसको ब्रेक लगाओ। तो मैंने उससे पूछ लिया कि आपका क्या सिद्धांत है, आप अपने पक्ष की स्थापना करें। बोला मेरा तो कोई सिद्धांत नहीं, मैं तो कुछ नहीं मानता। पकड़ लिया तो मेरा तो कोई सिद्धांत नहीं, जब आपका कोई सिद्धांत नहीं तो क्यों सबका दिमाग खराब कर रहे हो, अपने घर बैठो, सबका समय क्यों नष्ट कर रहे हो, जब आपका कोई सिद्धांत ही नहीं तो क्यों बोल रहे हो, जिसका सिद्धांत है वो बोले ना। तो ये तीन तरह का शास्त्रार्थ है, वाद जल्प वितंडा, इसमें शुद्ध बातचीत केवल एक है वाद, और वो भी होती है बराबर के पहलवानों में। कुश्ती जो अखाड़े में होती है वो बराबर के पहलवानों में होती है, एक पहलवान 80 किलो का और एक 52 किलो का, उनकी कुश्ती नहीं होती। तो जब वाद करना हो तो दोनों बराबर के विद्वान होने चाहिए, फिर करो वाद, और तीन न्यायाधीश होने चाहिए, वो आपका फैसला करेंगे किसका पक्ष ठीक है। गुप्ता जी बताइए, जल्प का अर्थ है झूठ छल कपट चालाकी से दूसरे को धोखा देकर जैसे तैसे दूसरे को हराना और अपनी बात को ऊंचा करना, अपने को जिताना, दूसरे को हराना, झूठ छल कपट चालाकी से। पर इसमें ये बात है कि वो जल्प करने वाला पहले अपने पक्ष की स्थापना तो कर देगा, और वितंडा वाला ये गड़बड़ करेगा, वो स्थापना ही नहीं करेगा, बस सिर्फ हमला ही करेगा। वाद शुद्ध है, बस उसमें दोनों व्यक्ति ईमानदारी से बात करें, कोई चालाकी नहीं, कोई छलकपट नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई अन्याय नहीं, कुछ नहीं, ईमानदारी से बात करेंगे। तो महर्षि गौतम आगे चलकर कहते हैं, जो व्यक्ति ऊंचे योगाभ्यासी बनना चाहते हैं, तैराग्यवान हो, ऊंचा तत्व ज्ञान हो और समाधि लगाते हो और मोक्ष में जाना चाहते हो, ऐसे लोगों को वाद करना है, जल्प और वितंडा नहीं करना, उनके लिए मना है। जो कोई झूठ छल कपट नहीं बोल सकते, कोई योगा अभ्यास में बाधा पड़ती है, यम नियम में बाधा पड़ेगी, उनको सच बोलना है। अब सामने वाला है टेढ़ा मेढ़ा आदमी, वो चालाकी करता है, झूठ बोलता है, फिर आप भी उसको डराने धमकाने के लिए कुछ ना कुछ हेरा फेरी करेंगे, तो आपको योगा अभ्यास में बाधा पड़ेगी, इसलिए मना कर दिया। सब लोगों से बातचीत नहीं करना, अभी तो मैंने कहा था जो नहीं सीखना चाहते उनसे बात मत करो, जो सीखना चाहते उनसे बात करो, उनके लिए और दूसरे लोग जो सांसारिक लेवल के हैं, वैदिक सिद्धांत को जानते मानते हैं, वैदिक सिद्धांत की रक्षा करते हैं, ये जल्प और वितंडे का प्रयोग वो लोग करेंगे जो थोड़े छोटे लेवल के, वो उनको बराबर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तुम जल्प करोगे तो हम भी जल्प से जवाब देंगे, वो लोग करेंगे। जो ऊंचे स्तर के वैरागी हैं वो इसका प्रयोग नहीं करेंगे, वो पूरी ईमानदारी से बात करेंगे, दो चार गिने चुने लोगों से ही बात करेंगे जो सीखना चाहते हैं। जी जीवात्मा और परमात्मा इसके लिए जीवात्मा अलग चीज है, परमात्मा अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, जैसे तरबूज अलग चीज है, केला अलग चीज है, दो अलग अलग फल है, ऐसे ईश्वर अलग है, आत्मा अलग है। ईश्वर एक है, आत्माएं असंख्य है, हर आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, वो अपनी इच्छा से, बुद्धि से, अपने संस्कारों से काम करता है और वो मेहनत करता है, वो आगे आगे अपग्रेड हो सकता है, उसकी उन्नति हो सकती है, वो बहुत उन्नति कर सकता है और मोक्ष तक भी जा सकता है। पर ईश्वर कभी नहीं बनेगा, कितनी भी उन्नति कर ले जीवात्मा, ईश्वर कभी नहीं बनेगा, न ईश्वर में घुल मिलकर एक हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, वो आत्मा है, अनंत काल तक आत्मा ही रहेगा। ये उन्नति में कोई सिद्धि होता है क्या, कुछ क्या हम
आपको क्या नॉलेज है इसके पर्षद क्या